जानिसार ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे दुआ की छोटी सी गलती की वजह से दुआ की तो जिंदगी बर्बाद हुई, साथ उसकी बड़ी बहन फिजली भी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसको शादी के दूसरे दिन ही घर से निकाल दिया गया क्योंकि फराज की फैमिली को दुआ के बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। तो तब फिजा दुआ के बारे में फराज को बताती है और कहती है कि मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, किसी ने उसे जरूर फंसाया है और वो बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी के बहकावे में आकर घर छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन मैं जानती हूँ कि दुआ ने गलती की है, लेकिन इसकी सजा मुझे तो नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो आपकी बीवी हूँ, आप मुझे बताएं कि दुआ कैसे घर छोड़कर जा सकती है। तो वो मुझे पार्लर छोड़कर ये कहकर गई थी कि वो घर जा रही है, मुझे लगता है दुआ के साथ ज़रूर कुछ हुआ होगा। इसी वजह से पुलिस भी दुआ को पकड़ कर ले गई। मुझे लगता है कि दुआ को किसी ने किडनैप कर लिया होगा और आगे सेल कर दिया होगा। तो तब फराज ये तमाम बातें सुनकर डरने लग जाता है कि दुआ कहीं फिजा की बहन तो नहीं है, तो वो दुआ के बारे में जानना चाहता है। इसी वजह से वो रीदा को कॉल करता है। रीदा कहता है मुझे दुआ के बारे में बताओ कि दुआ कहाँ पर है। तो तब रीदा फराज से कहती है कि तुम्हारी शादी फिजा से हुई है, दुआ की बड़ी बहन से, फिर भी तुम दुआ के बारे में मालूम करना चाहते हो, फिजा से खुद पूछ लो कि दुआ कहाँ पर है। दुआ के बारे में ये सब जानकर फराज बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्या कर दिया। फिजा के साथ उसकी शादी हुई और दुआ को उसने धोखा दिया। तो व्यूवर्स आपको इस ड्रामे में फराज का कैरेक्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।